अंबेडकर जयंती पर लाजपत भवन में आयोजित डिजिधन मेला में कैशलेस लेनदेन की प्रक्रिया के बारे में समझाया गया। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का लाइव प्रसारण भी किया गया। डिजिधन मेला में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक के प्रतिनिधियों ने ऐप्स को डाउनलोड करने और डिजिटल लेनदेन की पूरी प्रक्रिया को समझाया। डिजिटल लेनदेन की इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए कई स्कूलों के छात्र छात्राओं को भी यहां बुलाया गया। यहां पर डिजिटल लेनदेन को लेकर छात्रों ने अपने विचार रखे। वाणिज्य कर विभाग की तरफ से डिजिटल लेनदेन अपनाने वाले व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री के डिजिटल लेनदेन पर खुशी तो जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि 3 बार भुगतान के बाद जो चार्ज लगाने की बात की गई है उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। आज जो भीम ऐप प्रारंभ किया गया है, जो व्यापारियों को सौंपा गया है, निश्चित रूप से हम सब व्यापारी उसे स्वीकार करेंगे और डिजिटल इंडिया को भारत को आगे बढ़ाएंगे। परंतु हम व्यापारियों की पीड़ा भी मोदी जी को कहना चाहेंगे कि आज सबसे ज़्यादा टैक्स का दायरा व्यापारी के ऊपर है। बैंकों इस भीम ऐप के बाद बैंक जो चार्जेज ले रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हैं। मोदी जी को इस पर विचार करना चाहिए। व्यापारी उनके साथ है, उनकी नीतियों के साथ है, परंतु जब व्यापारी नहीं रहेगा तो सबका कहाँ रहेंगे। छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों ने भी इसे बेहतर बताया। उनका कहना था कि डिजिटल लेनदेन भविष्य की जरूरत है। डिजिधन मेले में जहाँ अंबेडकर जयंती का पावन पर्व भी मनाया गया था और एक क्विज कॉन्टेस्ट करके हमारे यहाँ के बच्चों को क्वेश्चन पूछ के उन्हें पुरस्कृत भी किया गया और भीम ऐप के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई, जिससे आज जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो उससे बच्चों को काफ़ी जानकारी मिली। इससे वो अपने फैमिली में जो उनके घर के बड़े मेंबर्स हैं जो इस चीज़ के बारे में जागरूक नहीं हैं, वो भी इसके लिए जागरूक हो रहे हैं। तो थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर। डिजिधन मेला में CDO अरुण कुमार, ADM वित्त संजय चौहान ने भी अपने विचार रखे। CDO ने कहा कि डिजिटल लेनदेन को लेकर शासन के जो निर्देश होंगे उन्हें लागू किया जाएगा। आज जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश को संबोधित किया गया है कि डिजिटल पेमेंट और कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया जाए और भीम ऐप का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। इसीलिए ये निर्देश थे कि जनपद मुख्यालय पर, ब्लॉक पर और प्रत्येक ग्राम पंचायतों में इस प्रोग्राम का लाइव प्रसारण किया जाए। इसके लिए व्यवस्था जनपद द्वारा की गई है कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों पर TV लगाकर, एंटीना लगाकर उसका प्रसारण किया जा रहा है। प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर भी इस तरह के प्रोग्रामों का प्रसारण हुआ है। जनपद स्तर पर एक बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें लगभग 1000 के ऊपर हम लोगों ने गाँव के किसानों को, व्यापारी लोगों को, हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, स्कूली बच्चों को और अन्य लोगों को इसमें बुलाया है और माननीय प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम है उसका एक लाइव प्रसारण हम लोगों ने यहाँ पे कराया है, ताकि उसका जो संदेश है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर का सपना भी इसके जरिए पूरा होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है और आज देश की आज़ादी को 70 वर्ष में हम जा रहे हैं, लेकिन इन 70 वर्षों में भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर जनता को इतना बड़ा उपहार उपलब्ध दी गई है, आज तक तो कभी नहीं दी। सबसे बड़ा जन्म दिवस पूरे भारत में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ मनाया है, ये है डिजिटल इंडिया की आज शुरुआत भी हुई है, यानी भ्रष्टाचार की समाप्त की ओर आज एक संकल्प भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पे आज देश की जनता ने लिया है।